मानव ने सुबह सुबह बॉडी की बैंड बजवा दी है। अरे दादाजी ने तुम लोगों से पहले मुझे बिठा के रखा था योगा करने के लिए, पूरा बदन दर्द कर रहा है। तू वहां क्या कर रहा है? भैया वो तो मैं, मंथन ने बताया मुझे अभी। भैया वो खेलो चे। बिल्कुल सही कहा आपने बा। अरे शादी तो हमने भी की है, लेकिन बीवी के सामने भाइयों को भूल जाना ये कहा, कहा? आराम से मंथन, जोर मत दे। अभी अभी शादी हुई है ना, तो सहरे में से कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ महीने बीत जाने दे, उसके बाद तेरी बीवी को तू नजर नहीं आएगा। इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि जब लड़की शादी कर लेती है ना, तो वो घर गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाती है कि फिर उसको पति के लिए टाइम नहीं मिलता। पर ये तो हर लड़की के साथ होता है। मैं चलता हूँ, जय श्री कृष्ण। लेकिन चंचन के साथ ऐसा नहीं हो, जैसे आप दुनिया में सबसे अलग है ना, वो भी सबसे अलग है। तभी तो आपकी बहू है। वाह! जोर मत दे। तुम लोगों को काम पे नहीं जाना है? नहीं। तो चलो। ले मंथन, ये बाम लगा ले, अच्छा है। ले। रुक, इसको रख, मैं लगा। अरे कोई दी से तो पूछ लो कि उनको क्या खाना है। अरे कैसी है? अभी कई बार दिख रही है, अभी गई। आ बेटा। कैसे बेटा? चल आओ 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 बेटा, ठीक है? बस पजामा है? चंचन तेरा इंतजार कर रहे थे। बोला क्या खाएगी? दादी मैं कुछ भी खाऊंगी। अरे कुछ भी मत बोल, यहाँ पर ऑलरेडी खाने को लेके सब एक दूसरे का सर खा रहे हैं। जंग छिड़ी हुई है खाने को लेके, बोल ना क्या खाएगी। ए वाइडा तू चुप रह, बोल चंचन क्या खाएगी, बिरयानी या दाल ढोकली? बाप बाप, चंचन पास्ता खाएगी। क्यों चंचन? अरे पर दी को तो चाइनीज पसंद है ना। अरे, अरे चाइनीज नहीं, चाइना बॉर्डर में जंग छिड़ी है, हम मैक्सिकन ऑर्डर करते हैं। क्या कहती है चंचन? ये क्या हो रहा है, घर में इतना कुछ बन रहा है? अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं बनना है घर में। हमें रुशाली ने बताया था कि तू आने वाली, तो हमने सोचा हम खाना बाहर से ऑर्डर करें। ये ले ये सारे मेन्यूज, अब डिसाइड कर क्या खाना है। बेटा ये तूने बहुत अच्छा किया कि अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। हाँ, नहीं तो वहाँ पर ससुराल में से वो दो मिनट वाले इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना, वो भी नहीं मिलते होंगे। अरे कैसे खाती, इसके घर में फास्ट फूड के नाम पे सिर्फ ढोकला थेपला और गांठिया ही तो होता है। क्या बात है। लेकिन छंछन अब तक तो तू भी कुछ अच्छा बनाना सीख गई होगी। अरे मेरी प्रोफेसर बहू उमा गौरी के साथ हमारी छंछन भी बदलने लगी है ना। छंछन क्या बात है? नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा जब से आई हो कोई बात ही नहीं कर रही हो, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। एक्चुअली पापा मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में सोच रही थी। कोई प्रॉब्लम है? हाँ मामा, और प्रॉब्लम ये है कि मेरी फ्रेंड को एक लड़के से प्यार है और उसकी पूरी फैमिली ने उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया। बस अब मुझे पता चला है कि उसकी मम्मी ने बिना किसी को बताए उसकी शादी कहीं और तय कर ली, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी मम्मी से बात करो। नहीं 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 चंचन, उसकी मम्मी से बात मत करना, तू सीधी अपनी फ्रेंड से बात कर। तुझे जो कुछ भी पता चला है ना वो सब उसको बता दे, बाकी वो अपनी मम्मी से क्या कहेगी वो उस पर छोड़ दे। लेकिन दादी अगर उसे लगा कि मैं झूठ कह रही हूँ तो? मतलब उसे अपनी मम्मी पे पूरा भरोसा है। छंछन फिर भी तुझे
सब सच बता देना चाहिए बेटा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आएगा ही, और तब उसे पता चलेगा कि तू सही है और उसकी मम्मी गलत है ना, और तब तुम्हारी दोस्ती गहरी और पक्की हो जाएगी। और अगर बेटा वो तुम पर विश्वास नहीं करती है तो समझ लेना कि वो तुम्हारी सहेली है ही नहीं। इसलिए बिना घबराए तेरे मन में जो कुछ भी है वो उसे बता दे। ठीक है बाकी मैं यही करूंगी। चंचन, तेरी जो ये फ्रेंड है जिसकी माँ ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी, वो एक लड़का है क्या जिसे तू लड़की बोलकर हम सबके सामने प्रोजेक्ट कर रही? बिना कार्तिक, क्या तू अपने दिमाग की बत्ती है ना उसे जलाना बंद कर दे, हमेशा उल्टा सोचता रहता है। बा मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इसकी पहली ऐसी फ्रेंड है जिसके बारे में हमें नहीं पता। वो एक्चुअली पापा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी दोस्ती हुई है, इसलिए शायद आपने नहीं सुना होगा। अरे आप सब रुक क्यों गए, चलो खाना खाते हैं। हाँ, दे उसे। बहू। जी बापू जी। इन बहुओं के हाथों में इतने सारे कंगन पहना दिए हैं, किसी के हाथ में घड़ी पहना देती जी? नहीं, तुम्हें तो पता है ना मैं दोपहर का खाना ठीक 1 बजे खाता हूँ, और अभी 10 मिनट लेट हो गए हैं। वो क्या हुआ ना बापू जी, वो छन जो है ना वो अपने मायके गई है, तो वो अभी तक आई नहीं, बस आती होगी, इसलिए उसके हिस्से का काम भी बहुओं को करना पड़ा। अच्छा, मतलब कोई बहू किसी वजह से रसोई में ना आ पाए तो उस दिन का खाना नहीं बनेगा? खाना तो बन गया है बापू जी। हाँ बना है, लेकिन 10 मिनट लेट बना है। बस 5-10 मिनट ऊपर नीचे। 5-10 मिनट? 5-10 मिनट ऊपर नीचे? बहू तुम्हें पता है अगर 2 पल के लिए आदमी की सांस ऊपर हो जाए तो पूरा आदमी ऊपर चला जाता है, नीचे रह जाती है सिर्फ यादें। यहां तो 10 मिनट लेट हो गए। हालांकि अंग्रेजों से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है, समय की पाबंदी। मतलब समझती हो ना समय की पाबंदी का? जी दादाजी समझते हैं, जी दादाजी समझते हैं। सिर्फ मुंडी हिलाकर हाँ मत कहो, प्रमाण दो प्रमाण। ये लो, इसमें समय की पाबंदी पर निबंध है, लो वो पढ़कर याद कर मुझे सुनाना। जी दादाजी। हाय लॉर्ड। दादाजी ये अंग्रेजी में? हाँ तो अंग्रेजी में पढ़ो, याद करो और हिंदी में सुनाओ। खाना खाने के बाद तुम सबसे मैं सुनूंगा। पहले गणित, फिर अंग्रेजी, अभी पता नहीं क्या क्या होमवर्क मिलने वाला है। चली बोए। उमा। जी बापू जी। तुम्हें भी निबंध सुनाना है। जी? इंडिया इंडिया।
इंडिया आई। भाभी ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ छनछन तुम आ गई। ये तो बहुत ही आसान है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, फिर आप लोग इसे हिंदी में याद कर दीजिए। समझ? हाँ छनछन यही ठीक रहेगा। समय की पाबंदी इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और जरूरी भी। तुम रंजना के साथ क्यों बोलते हो? हाँ तुम इसके बिना बोल ही नहीं सकते। ठीक है चलो दोनों एक साथ बोलो। समय की पाबंदी हमें समय पर काम करना सिखाती है और इससे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं और अच्छे भी। वक्त की पाबंदी से हम कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं। वक्त की पाबंदी में वक्त की पाबंदी समय की पाबंदी से समय बचता है मेरे लिए भी। वक्त की पाबंदी वक्त की पाबंदी हमें जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें सिखाती है और हमें आराम करने का मौका भी मिलता है और मुझे भी। वक्त की जो पाबंदी वक्त की पाबंदी भूल गई लेकिन सजा देना मैं नहीं भूलता। यही सबक तुम 20 बार अपनी कॉपी में लिखोगी। 20 बार? हमें नहीं नहीं बापूजी बहुत ज्यादा है। जानता हूँ। चलो ठीक है इस बार माफ कर देता हूँ। सिर्फ सबक देके छोड़ देता हूँ ताकि अगली बार तुम्हें याद रहे कि वक्त पे काम करना कितना जरूरी है। जी बापूजी। समझे? जी। समझे? जी दादाजी। दादाजी चाय। अपनी सास को पिलाओ। हा, मेरे फियांसे का नाम भी मानव, मानव बोरीसाथी। मानव की मम्मी काफी ट्रेडिशनल। मम्मी जी मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? वो एक्चुअली मम्मी जी मेरी एक फ्रेंड की शादी होने वाली है और मैं उसे गिफ्ट में वैसे ही कंगन देना चाहती हूँ जैसे आपने मेरे बर्थडे के लिए बनवाए हैं। तो अगर मैं उन कंगनों का फोटो ले सकती हूँ तो मैं उसे ज्वेलर को दिखा के वैसे ही कंगन बनवाऊंगी अपनी फ्रेंड के लिए। वो कंगन क्या है ना बेटा अभी तक बन के आए ही नहीं है। वो खास डिजाइन है तो उसे बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ मैं चलती। अब तक बनी नहीं है कुछ तो कर पड़े। और अगर बेटा वो तुम पर विश्वास नहीं करती है तो समझ लेना कि वो तुम्हारी सहेली है ही नहीं। क्या बात है? क्या सोच रही हो? छनछन
क्या हुआ? इसलिए बिना घबराए तेरे मन में जो कुछ भी है वो उसे बता दे। मानव, मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। क्या मैं पहले तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं या तुम्हारी बीवी? ऑफ कोर्स फ्रेंड, इन फैक्ट बेस्ट फ्रेंड। बताओ क्या पूछ रहे हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगी? मानव, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी कहीं और करवाना चाहती है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? What? ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये किसी तरह का मजाक है चंचल तो। मानव, मैं ऐसी बात मजाक में भी नहीं कह सकती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ कि मैं तुमसे ये बात कहूँ। प्लीज मानव, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मम्मी जी तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहती। कौन सी लड़की, किसकी बात कर रही हो तुम? मानव, उस दिन जब पुछ खो गया था तो तुम्हें उसे ढूंढने पाक गई, वहां मुझे एक लड़की सुनाली मिली। तुम्हारे हस्बैंड का नाम मानव? हाँ, क्यों? मेरे फियांसे का नाम भी मानव है, मानव बोरीसाल। ये कैसे हो सकता चंचल? माना कि मम्मी शुरू शुरू में तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन तुम्हें तो कहा कि वो बदल गई है, तुम्हें पसंद करने लगी है, तुम्हारा ख्याल रखती है वो, और ऐसे में उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, just can't believe it. मानव, बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन तुम ही बताओ कि अहमदाबाद में कितनी बोरी सागर फैमिली है, और ये नाम मानव और वो बैंगल्स, मानव इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे से या अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती? लेकिन अगर ये सच तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी बेटे ने नहीं किया होगा। मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़कर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चल जाऊं। मानव, आई जस्ट विश कि ऐसी नौबत कभी ना आए। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें यह सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी हर एक बात पर ट्रस्ट करता हूँ, और अगर ये बात झूठ निकली, भगवान करे ये बात झूठ निकली, लेकिन ये जो भी है हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा। सोनाली, हाय। हाय, हाउ आर यू? गुड। तो हम फिर मिल गए हमेशा की तरह। सोनाली, ये मेरे हस्बैंड मानव, और मानव ये सोनाली। हाय। हाय। तुम्हें पता है इनके फियांसे का नाम भी मानव है, और उनकी बहुत बड़ी ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली है ना? हाँ, बहुत बड़ी फैमिली। I'm sorry, मैं भूल गई, वो करते क्या है? उनका अपना फैमिली बिजनेस। Yeah, right, फैमिली बिजनेस। आपने बताया नहीं कि आपके फियांसे रहते कहाँ हैं? सैटेलाइट पार्क, वहाँ। सैटेलाइट पार्क? लेकिन वो तो बहुत पॉश एरिया है ना? आपने तो कहा कि आपके इन-लॉज बहुत ही ट्रेडिशनल है। बहुत ट्रेडिशनल है, और मानव की मम्मी वो तो कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। आई एम सॉरी, मैं आपसे इतने सारे सवाल कर रही हूँ, लेकिन आपके फियांसे का पूरा नाम क्या है? मानव, मानव नागर। नागर? लेकिन शायद उस दिन आपने कहा कि उनका पूरा नाम मानव बोरी सागर है।
नो नो नो, इट्स नागर। तुमने शायद गलत सुन लिया होगा, वो दोनों सेम साउंड करते हैं ना, नागर बोरी सागर। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.